हद तो नो टपे वाको नाम फकीर कबीरा वाको नाम फकीर। भाई सब लोग ने मास्क लगा रखा, सोना में सोना बाजी हरियाणा में आ गए, सबने मास्क लगा रखा है, भैया ने लगा रखा जो सुख पायो राम भजन हमें वो सुख ना क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? नाम क्या है? चमन प्रकाश। हैं? चमन प्रकाश। सब चमन हो रहा है आजकल? हाँ जी। चमन हो रहा है तो बढ़िया हो रहा है। हैं? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? हाँ जी। सब करोना उतार दे। कोरोना उतार दिया पाजी, आइए। सोहना की जो जलेबी मशहूर आ रही कुंडो दिखाऊंगे, राजेंद्र हलवाई के नाम से दुकान है, बड़ी मशहूर जलेबी मिलती है यहाँ पे। अच्छा। हेलो, जलेबी बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी, हाँ जी सर, पर मिल जाएगी। पकौड़ी? पकौड़ी कहाँ? कचौरी। कचौरी, कचौरी भी? हाँ जी। जलेबी भी है? जलेबी भी, कचौरी भी जी। समोसे भी? समोसे भी। क्या आ रहा तुम्हें हो जाए? क्या नाम हो गया? नाम क्या हुआ? नाम बता। नाम क्या है? धीरज। धीरज, क्या लेना है? जलेबी? भूख सी लग रही है। भूख सी लग रही भाजी, भूख सी तो हमको भी है। समोसा लेने। समोसा भाजी। क्या मास्क लगाए हैं? दो मास्क। अच्छा, एक रुमाल का और एक उसके ऊपर वैसे मास्क। एक रुमाल का हो गया, एक रुमाल बांध रखा है और एक वैसे मास्क लगा रखा है। अच्छा, रुमाल क्या करता है? रुमाल से क्या है कि जैसे मौसम गर्म है या ठंडा है, सेफ्टी रहती है, मुँह गंदी वो नहीं जाती है हवा। अच्छा। मास्क टच नहीं होता मुँह से, उसके ऊपर मास्क लगा रखा, डबल मास्क लगा रखे हैं। एक तो ठंडा गर्म रोकता है, एक तो उससे बात का धूल मिट्टी से, इससे जो रुमाल का मास्क होता है कॉटन का रुमाल है, उसके ऊपर वैसे मास्क लगा रखा है। तो रुमाल जो है वो ठंडा, रुमाल जो है वो ठंडा गर्म रोकता है, ठंडा गर्म नहीं लगता। हाँ। और साफ रहता है, फेस के ऊपर टच नहीं होता कोई और चीज। और ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला वैसे उसके ऊपर सेफ्टी के तौर पर और लगा दिया अलग से एक्स्ट्रा। और कोरोना वाला कौन सा है? दोनों कोरोना वाले हैं जी। सोशल डिस्टेंस रखो और मास्क लगाओ, हाथों को सैनिटाइजर साफ करो, कोरोना से बचाव यही है जी। तो दो लगाने, तुम तो एक लगाए। हाँ जी, ये एक लगा भाई, एक लगाओ दो लगाओ मर्जी अपनी। कैसे हैं? ठीक है। क्या लेने आ गए? बच्चे के लिए। हाँ। क्या ले रहे बेटा? ये लिए लोवर। लोवर तो दौड़ा दौड़ा भागी कर रहे हो? हाँ। इसी के मारे लिए आज काहे का काहे में दौड़ा भागी कर रहे हो आजकल? दौड़ा भागी काहे में दौड़ रहे हो सुबह? रोड पे। रोड पे कितने किलोमीटर? दो। दो किलोमीटर? दो किलोमीटर वाला तो नहीं लग रहा तुम्हें? दौड़ रहा, दौड़ रहा दौड़ा दौड़ा तो ऐसे ही है, मतलब भगावे तो है इसे। भगावे? हाँ। भाग नहीं रहा लेकिन? हाँ, भाग नहीं रहा। क्यों भाग रहे हो तुम भाई? भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हो? जब भाग रहे हो तो कैसे हो रहा है ये सब? देखो तो, ये देखो पिताजी को, बिल्कुल सही है क्या? तो ये कैसे नहीं कर रहा है इनको, दौड़ाइए भगाएंगे। कोशिश तो कर रहे हैं जी, जो भागे ना भागे तो क्या करें इसको। कोशिश कर रहा है ये भगाने की, तुम भाग नहीं पा रहे हो। भागो अब, कैसे भागोगे? कौन से क्लास में? टेंथ में। तो भाग शुरू करो ये सब, है ना? देखो सही है। और तुम कब से करोगे? कल से। दौड़ लगाओगे? हाँ। कितने किलोमीटर? दो किलोमीटर, एक किलोमीटर। दो चार किलोमीटर से तो ना घटेगा, इतने पाँच सात किलोमीटर ना लगाएंगे। दो किलोमीटर से तो ना कटेंगे सब, जो दो किलोमीटर से ना कटने वाला, पाँच किलोमीटर लगाओ। ठीक है, कल
साहब 5 किलोमीटर लगा है ना, जब रोक कटेगा देना और एक एक करके देना, एक साथ ना दे देना इसको, पहले एक फाड़ेगा फिर दूसरा। अब 5 किलोमीटर। नमस्कार, कैसे हैं? न्यूज 18 से आप? हाँ हाँ, मैं तो हूँ, और आप कैसे हैं? हम बढ़िया हैं, कमल सिंह भिदोड़ी। हाँ हाँ कमल जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप कैसे? सुंदरपाल अग्रवाल सोना से। वाह सुंदर जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने तो ये मास्क बहुत अच्छा लगाया। ये मैडम ने बनाया है। अच्छा, वो डिजाइनर है? ना ना कुछ नहीं, ऐसे डोमेस्टिक वाइफ है। अरे वाह, सुंदर बनाया, उनको मेरी शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से शुभकामनाएं आपकी तरफ से दूंगा। और मेरी इच्छा है कि सर, मैं आपको अच्छा जी आपके दर्शन हुए सोना की नगरी में, देखता हूँ जो कार्यवाही है आप जो लोग कर रहे हैं ना देश हित के लिए, कमाल है भाई। हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और जीवन में आप इस चैनल के माध्यम से खूब तरक्की करें, खूब लोगों का स्वभाव बदले। थैंक यू अग्रवाल। और कैसे हैं भाई साहब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पहले से फर्क है। पहले से फर्क है, आराम है पहले से? कितना आराम है? खड़े रहो, पहले से कितना आराम है? बहुत आराम है, सबको आराम है, बहुत सुखी है। एक रुपए में कितना आराम है? 95%। एक रुपए में 95% आराम है? पहले परेशानी थी? पहले परेशानी थी, अब कैसा आराम कैसे आया? सोहना बड़े आनंद से है, बड़े आनंद से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सही अपना कमा खा रहे हैं सब लोग, कमा खा रहे हैं, कमा खा रहे हैं। आप क्या कमाते हैं? सरकार में, सरकार में सब मौज ले रहे हैं, हैं? इस सरकार में सब मस्त हैं, इस सरकार में सब मौज ले रहे हैं। हाँ मौज ले रहे हैं। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। क्या चल रहा है? हाँ चल रहा है, ग्राहकी कम है थोड़ा। हाँ ग्राहकी कम है, ग्राहकी कम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी निकल नहीं रहे लोग, ठीक है? डर है, डर है, अभी कोरोना का डर है। डर है? हाँ जी। सोना में क्या है, कुछ ठीक है? हाँ सोना में कोई केस नहीं है फिलहाल। सोना में कोई केस नहीं है? हाँ जी सोना में कोई केस नहीं है, ऐसा ही रहे बस, अच्छा ही रहे। हाँ ऐसा ही रहे, बहुत अच्छा रहे। सेठ जी क्या नाम हो गया? नाम संजय कुमार मेरा। संजय कुमार जी, थोड़ा सा समय मिले तो थोड़ा सा योगा वोगा भी करिए। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, कोरोना ने आलकसी बना दिया जी, कोरोना ने आलकसी बना दिया, बाहर निकल नहीं सकते थे तो घर में ही रहना पड़ा। ये घर की वजह से है? ये घर की वजह से। बाहर घूम रहे? नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते, नमस्ते साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। आजकल जैसे जिस हिसाब से बीमारी चल रही है उसी हिसाब से बाजार भी खुलने लगे हैं, अब क्या करें, लोग भाग को कमाई भी करनी है और उसका नियमों का पालन भी करना है। ढंग से कायदे से जी जी जी, तो लोग भाग, मेरी तो एक कहना है कि यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं, ग्राहकी कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुंह पे मास्क डालें और एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें, क्योंकि अपना बचाव रखना है, इसीलिए पहले तो अपना बचाव रखना है, फिर अपने परिवार का रखना है, फिर प्रदेश का रखना है, फिर अपने भारतवर्ष का रखना है। सीक्वेंस बना लिया आपने? ओके ओके, यही सीक्वेंस ठीक है। कैसे चाचा? बढ़िया, काम आ रहा है? काम वाम नहीं है जी, आज काम तो पिट गए, सारे काम खत्म हो गए, काम है नहीं, कुछ भी नहीं है, एक बात धंधा ही नहीं है, कतई कुछ नहीं है। कोई नहीं काम आ रहा है, काम नहीं आ रहा है। 150 के काम से क्या काम होता है, 150 में कुछ होता भी नहीं है। आप बुढ़े बुढ़ियानी का खर्चा भी ना चले 150 में तो। पर चाचा बुढ़े बुढ़िया ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो बस। तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं, ध्यान रखा। और जो खाने को तो चाहिए चाहिए, खाने को तो हर आदमी मांग को चाहिए चाहिए। राशन आसन मिला कि नहीं? राशन वासन तो मिल रहा है, लेकिन राशन क्या करें, गेहूँ गेहूँ मिले उसको क्या करें, गेहूँ गेहूँ उसको भी तो खर्चा चाहिए, वो किसवा उसको। बात तो खैर सही कह रहे हैं आप, बात तो सही। सब्जी के लिए पैसा चाहिए, क्या चीज भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, उससे क्या खर्चा चल रहा है। दुकान में बैठते हैं बाजार में और
टेलर मास्टर है। देवतवाल सरपंच डेरी, क्या बात है। पहलवान साहब है? कौन है ये? उनका नाम है अजीत। अजीत पहलवान, सरपंच डेरी नगली वाले। पहलवान भाई नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? तो आप पहलवान हैं? पहलवान तो कुछ उसकी हो रही है? नहीं हो रही? नहीं अभी नहीं, बंद हो रही। बंद है? बंद हो गई। क्यों बंद कर दिए लॉकडाउन से? अखाड़ा बंद हो गया? हाँ बंद है, वो अपने घर पे ही करें जैसे। तो अखाड़ा घर पे ही चल रहा है अभी? लॉकडाउन से तमाम सारी चीज़ें हुई हैं। पहलवान हैं, मुझे बताया लोगों ने कि पहलवान हैं, घी का काम करते हैं। और डिलीवरी आपकी अपनी है? हाँ दूध अपने घर पे ही। अपना घर का दूध है? कितने पैसे डाले हैं? 25 से 25 है। तो बड़ी मशहूर दुकान है घी की यहाँ पे इस सोना में। सरपंच डेरी, सरपंच डेरी घी लेने आए हो? क्या बात है भाई, चलो भाई सरपंच डेरी है ये, आप भी लेने आए? अगर दुकान वो है और मौज इधर लेने आए हैं। भैया जी उसमें हो ना न्यूज से आपको? पहचान लिया तुमने? बिल्कुल पहचान लिया। ये बताओ पहलवान, तुमने कुछ मास्क वास्क क्यों नहीं लगाया? अभी वो धो के सुखाया है इसने। हैं? उसको वॉश किया है मास्क को? हाँ। और सुखा दिया? हाँ। क्या बजे तक सूखता है? हाँ जी बारह घंटा, आधा घंटा, 7 से 8। और फिर 8 से तुम लगा लेते हो? अभी लगा लेंगे जी, अभी लगा लेंगे। हम क्या वो टाइमिंग कुछ बांधा होगा? नहीं नहीं, हाँ लगा लो बेटा, देखो है ना, जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ आ जाओ भाई, ऐसे चलो चलो। लाला जी, जी मास्क वास्क नहीं लगा? लाला जी रखा भी, लगा खाना खा के चुके हैं जी। हाँ। अभी रखा है, खाना खाया था अभी। हाँ जी, तो घंटा से लगाते लगाते परेशान भी हो जाते हैं? तो नहीं परेशान है, बस ठीक है, बढ़िया चीज है। अच्छा। परेशान कोई नहीं है, भाई खाना खाया था, भाई साहब आ गया, करते खाना। वो आपने खाया ना? हाँ हाँ। क्या हम कहें वो मास्क खा लिया? नहीं नहीं नहीं, खाना आपने खाया? खाना खाया। लगा लो भाई, भाई जी नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, देखिए भाजी ये बहुत यहाँ की सबसे खास चीज जो है मैं आपको ले आया वहाँ तक, सोना का ये उद्योग है भाजी। हाँ जी हैंडमेड सौदा है सारा जी, ये है सारा हैंडमेड है जी। तो कैसा चल रहा है बाबूजी? कहाँ लॉकडाउन में तो कहाँ चल रहा है जी। बाजी कभी अगर आपका सोना आना हो गुड़गांव से कोई 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर और 25-30 किलोमीटर सोना में आना हो तो ये जो यहाँ पर इनका ये काम है, और ऐसे कई लोग होंगे जो ये हाथ से बनाते हैं जूता, इसका बड़ा खास है। लेकिन इस समय तो कारीगर वगैरह सब कहाँ चले गए या हैं अभी? सब अपने अपने घर चले गए जी, वहीं काम कर रहे हैं अपने अपने घर। अपने अपने घर मतलब? हाँ यहाँ नहीं बेटा, जैसे अब दूर से थे वो रेवाड़ी साइड के, इधर राजस्थान के थे तो वो वहाँ अपने वहाँ चले गए सब। वहाँ चले गए? हाँ वहीं काम कर रहे हैं इस तरह से। इधर नहीं? इधर तो आपको तो दिक्कत हो गई होगी? दिक्कत मोटी दिक्कत हो रही है जी, दिक्कत हो रही है। सारा माल ऐसे जो रॉ मटेरियल है हमारा ऐसे ही रखा हुआ है जी, कच्चा माल जो होता है तैयार, जो बाद में तैयारी होती है वो सारा ऐसा ही है ना। हाँ जी ये पेन दी जूती। हाँ जी हम क्या ड्यूटी, रुको फरीदाबाद से जूता लेने यहाँ है? हाँ जी बड़े शौकीन आदमी, 3 लोग बैठ के आए। नहीं बाइक बाइक पंचर हो गई है, खड़ी करके आए खड़ी वहाँ। तो पैदल चल गए थोड़ी देर? नहीं छोरा खराब हो जाएंगे, नया जूता खराब हो जाएगा।
खाना खाने के बाद का हिस्सा। कौन कौन सा आसन कर लेते हो? लोम विलोम। लोम विलोम। अरे यार लोम विलोम, लोम विलोम कौन चीज है यार? मोती की माला, क्या आवाज है भाई। भाजी दिखाई दी ना, वो शादी में दूल्हा पहने हुए था नोटों की माला। कहाँ देखी थी? पलवल के पास कहीं देखी थी भाजी, बुलंदशहर के आगे देखी थी भाजी, बता रहे हैं बुलंदशहर के आगे देखी थी। तो ये माला साहब कितने की बनती है एक माला? साहब माला तो जब करें एक माला भी नहीं बिक रही है, लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गया है। अब आके बैठते हैं कोई ग्राहक नहीं आता है। अच्छा, ढाई महीने हो गए एक माला का कुछ नहीं बिकती है, क्या करें? शादी वादी तो है नहीं लॉकडाउन में, पांच आदमी की शादी होती है उसमें क्या होता है। तो अब के सीजन हमारा ऐसे ही गया बिल्कुल खराब। कोई माला नहीं बिकी? कोई नहीं बिकी, सब जैसे सुबह आते हैं वैसे शाम को चले जाते हैं। बड़ा की एक पैसे की बिक्री नहीं होती है, सुबह से शाम तक जैसे आए वैसे चले गए। भाजी दो दुकानदार और आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने, तो ऐसे ही दोनों लोग चेहरा दिखा करते। बस चेहरा दिखा, मेरा चेहरा देखते रहते हैं ऐसे। अब देख लो चेहरा कैसा। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आप और ये सब देखते ऐसे बैठे रहते हैं बस। भाई ऐसे ही बैठे रहे और क्या करेंगे, पूरा सीजन बर्बाद हो गया, बिल्कुल खाली है, एक पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और बेरोजगारी है, बिल्कुल समय खराब है इस समय। पर हम ये है कि अपनी सेफ्टी खुद करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं। और ये भी लिख दो, आदमी आदमी में से बदबू आ रही है। क्या लिखे, क्या लिख दें? आदमी आदमी में से बदबू आ रही है, मतलब जो है एक से एक आदमी मिलता नहीं है अब। आदमी आदमी से बदबू आ रही है? हाँ। कैसे बदबू कैसे आ रही है? कैसे आ रही है कि मतलब जो है कि ये मास्क लगवा दिया। अच्छा, इसलिए बदबू आ रही है, इसलिए लगवा दिया? हाँ। अरे चाचा हाथ नहीं धोया, दूर नहीं गए तो कोरोना आ जाएगा, तो बदबू ही आएगी ऊपर वाली। सीधे पत्ता कट जाएगा ऊपर वाला? अब ये लो पत्ता, पता ना किस किस का कटेगा। लड्डू है, पेड़ा है, रसगुल्ला है। अरे सामने तो लड्डू रखते हैं, इमरती बनाते हैं। हाँ इमरती बनाते हैं, खा लीजिए। मैं पूछ रहे हैं लड्डू भी बनाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ का पहले वाइस चेयरमैन था नगर पालिका का। अच्छा, तो बड़े आदमी हैं आप? नहीं जी, मैं छोटा सा आदमी हूँ, देखो मैं मजदूर आदमी हूँ। तो साहब भंडारा करते हैं हर शनिवार? हर शनिवार को भंडारा करते हैं जी, आप जैसे सब लोग मिलके ही भंडारा करते हैं जी। अब वो भंडारा हो नहीं पा रहा ना लॉकडाउन की वजह से। नहीं हो पा रहा? अब ना घबराहट करते हैं जी, अब क्योंकि बैठा खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते ना। हाँ। तो अब घर घर जा करके दिखाते हैं जिनको, अब लोगों को। भाजी गोयल साहब उनको दीजिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ वो तो है जी, वो तो हमारा भंडारा भी दो महीने से पेट ताजा है। नहीं उनको तो देना बेकार है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए, बहुत प्रभु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे हलवा खाया भैया जी, आपका कार्यक्रम बहुत देखते हैं। हाँ जी, बहुत खुश होते हैं, सब बच्चे भी देखते हैं जो आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम कार्यक्रम, जनता की आवाज है, जनता की आवाज, जनता की आवाज, बस बस बढ़िया। और तुमने खाया? अरे क्या कह रहे हो, खाया कि नहीं खाया? खाया जी खाया। क्या खाया? हलवा खाया है। खाया? हाँ। ये जो शाख हम जाती है यहाँ पानी अपना आप निकलता है और इसके नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं। और ये बंजारे द्वारा निर्मित एक जगह है जिसको इतिहासकार बताते हैं कि कभी बंजारे यहाँ ठहरे थे, उनके कुत्ता ने जब यहाँ खोदा था, जो डॉग रखते थे वो लोग, उसके बाद यहाँ पानी निकलना चालू हुआ और आज तक ये पानी निकलता है, यहाँ बहुत गर्म पानी होता है। अब पाजी जियोलॉजी वाले भूगर्भ शास्त्री इसको ये कहेंगे, क्योंकि सोना रोड, सोना जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ चारों तरफ, तो पहाड़ियां हैं और ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी हिंदुस्तान की जो तमाम सारी प्राग ऐतिहासिक जो इतिहास है उसमें उनका बहुत महत्व है इन पहाड़ियों का। उसके तलहटी में
जी हाँ, उसकी तलहटी में ये चश्मा है। चश्मा यानी यहाँ पर वो गर्म पानी का स्रोत है और कहानी हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग होती है। पाजी मैं भी तो कहानी ही कहता हूँ, रोज एक कहानी कहता हूँ। बन जा रहा बस पाजी। यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा था और गर्म पानी आता था उससे लोग नहाते थे और जिससे उनके चर्म रोग दूर हो जाते थे। वो गंधक आप सब जानते हैं, बहुत जगह है। उसका सोना का जो इतिहास है वो सामने लिखा हुआ, महर्षि सोनक ने बसाया था। अब मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे कि थोड़ा पानी आ जाता तो मैं भी देख लेता, लेकिन पता ये चला कि अब पंप नहीं चल सकता और पानी आपको नहीं दिख सकता। तो चलो पाजी, खत्म, हम ही ने सब किया है। हमने मतलब हमने आपने दोनों ने मिलकर जितना शोषण हो सकता था वो किया है। किसका ये आप जानते हो? आप बाजी चले। भैया जी अच्छे हैं, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? सही चल रहा है, कोरोना चल रहा है फिलहाल। कोरोना चल रहा है, इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? बचाव के लिए सबसे पहले मास्क लगा रहे हैं। हाँ, सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी के लिए मास्क चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और दो दो घंटे बाद हाथ धोने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। कहाँ से कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, कर रहे हो? कर रहे हैं। ये लगा रखा, एक मीटर का डिस्टेंस है। नहीं तो योगा योगा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, घर में कर रहे हो? हाँ। कौन कौन सा आसन कर लेते हो? सारे कर लेते हैं। जैसे? जैसे शीर्षासन, हलासन, हाँ, कपाल भाति, हाँ, लोम विलोम, हाँ, लोम विलोम, हाँ, लोम विलोम। अरे यार लोम विलोम, लोम विलोम कौन चीज है? लोम विलोम क्या होता है? अच्छा करो, कपाल भाती कैसे होता है? नहीं वो तो बैठ के होती है, अब तो खा रखा खाना, खाना खा रखा, अब तो नहीं करेगा। खाना खाने के बाद क्या होता है? चलो चलो, ये शाही चीज है, ये शाही चीज है। हाँ मुझे नहीं कर रहे हो योगा होगा? नहीं कर रहे हैं। सूर्य प्रणाम कर लेते हो? कर लेते हैं। अच्छा कैसे होता है? बता देंगे। जी मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात है, पेट तो भरना ही है भाजी, ऐसे में पेट भरना है। पेट भरने के लिए राशन चाहिए, अनाज चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं काम पाजी, मैंने देखा कुछ लोग काम कर रहे हैं। सोना में आया हुआ था, भीड़ देखी, लाइन देखी, मैं यहाँ तक आ गया। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता यादव, उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ। अच्छा तो ये क्या है चैरिटेबल, आप क्या करती है, कैसे काम करती है आप? इसमें सर हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले से हम एक रसोई चलाते हैं उन्नति रोटरी रसोई के नाम से, और उसमें हम 300 लोगों का खाना बनाते थे। अच्छा। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और उससे आज तक हम सूखा राशन भी बांट रहे हैं, और 1200 किट हमें बनी बनाई धानू का कंपनी देती है और 2000 किट हम खाने की खुद बनाते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रानी। रानी बहुत अच्छा। तो रानी क्या कर रहे हो तुम, क्या पढ़ाई जानते हो? नहीं, पढ़ती नहीं हो? नहीं। क्यों? गांव में पढ़ते थे, यहाँ ना पढ़ते। गांव में पढ़ती थी, गांव कहाँ है? झांसी। ओ किसके किसके साथ हो तुम? ये मेरी मौसी है। ये मौसी है, माँ कहाँ है? वो काम करने गई है। काम करने गई है? हाँ। क्या काम करती बेटा? बेलदारी। बेलदारी की? झांसी में वहाँ पे जहाँ गांव में थे वहाँ पढ़ते थे? हाँ। यहाँ नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ना है, मन है पढ़ने का? मैं एक काम कहना चाहता हूँ, हालांकि मुझे नहीं मालूम है कितना मुश्किल है कितना आसान है, तो मुश्किल ही, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को जरूर छांटिए। और ऐसे समय में अगर यहीं पे कुछ हो, यहीं कुछ बन जाए हिसाब किताब, तो पढ़ाने का शुरुआत करिए। अगर आप मुझे याद करेंगे तो मैं भी आ जाऊँगा, कभी ना कभी तो मैं भी वक्त निकाल ही सकता। पाजी आओ, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाजी। ऐसे ही तमाम सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने देखा भीड़ देखी तो चला आया यहाँ तक बात कर। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बिहार। बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला। मधुबनी से। पाजी ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो अभी भी हैं यहाँ पे, जो कोई 15 साल से 20 साल से हैं, उन्होंने उम्मीद थी कि कोई ना कोई लोग आएंगे। और उन्नति जैसे लोग अगर आए हैं सामने अनाज बांटने में, एजुकेशन में, तो बहुत अच्छी बात है पाजी, आगे आना चाहिए। निकल पड़ो रे रागी, निकल पड़ो रे।
तड़पने किसी लगन ने छुआ जब भी छुआ रे। अजी सांप की नंगली, सांप की नंगली गांव है। चलो पाजी पता करते हैं, कभी कभी नाम देखकर भी गांव में घुस जाना चाहिए। घर से निकल पड़ा रे, निकल पड़ो रे बंधु निकल। कौन सा गांव है भैया? ये सांप की नंगली है। कौन से? सांप की नंगली। सांप की नंगली। राम राम। तो गांव का नाम हो गया सांप की नगली। तो इसका नाम सांप की नगली क्यों है? सर ये अरावली की तलहटी में बसा हुआ गांव है। हाँ जी। और जिस तरह जो चीज अधिक पाई जाती है पहाड़ों में उसी के नाम से उस गांव का नाम पड़ जाता था। यहाँ अधिक सांप पैदा होता था जंगल के कारण। देख रहे हो पीछे सारा पहाड़ है। हाँ। इसीलिए इसका गाँव सांप की नगली है। इसका सबसे खास यहाँ जी, यहाँ पे एक जो गठिया बाय हो जाती है। गठिया? हाँ, बाय हो जाती है शरीर में जिससे अपाहिजपन पैदा हो जाता है। गठिया वाले जिसमें दर्द दर्द होता है हाथ पैरों में, जी जी, गांठों में। उसका यहाँ एक तरह से परंपरा चली आ रही थी 300 साल से, झाड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? झाड़ा, एक तरह से अपना नमक और पानी दिया जाता है। हाँ। और नमक पानी देने के बाद में जो भी आता है पीड़ित, ऐसा मानना है वो ठीक होता है, वो ठीक होके जाता रहा है। शरीर के ऊपर हाथ फेरेंगे बाय वाले के, वो सही हो जाएगा जी। हाथ फेर देने पर से? हाँ जी। कोई पैसा नहीं लिया जाता है? फ्री में इलाज होता है जी। हाथ ऐसे फेर दे बस? हाथ फेर से ही आराम होता है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरा का दूसरी चीज क्या वरदान है? गांव की सीमा के अंदर जो गांव की हद बनाई गई है, हद के अंदर कोई ऐसा केस होता है एक्सीडेंट केस सर्फ से, तो उसका डेथ नहीं होता है, उसका नॉर्मल इलाज होता है। इस गांव में बड़ा अद्भुत गांव है भाई। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों आ गए। अब घूमते घूमते घूम रहे तो पता चला यहाँ सांप की नंगली है। अब सांप की नंगली तो हमने गांव सुना तो पता चला वरदान है यहाँ पे। और यहाँ वरदान दो हैं, एक तो आप हाथ फेर देते हो आप ऐसे ऐसे, तो उससे क्या हो जाता है? उसे जो इसके पीड़ित है वो सही होता है यहाँ से। हाँ जी, तो ये आप भी आ गए हो। और दूसरा बताया यहाँ पे कोई सांप जो है ना, सांप जानते हो, वो काट ले तो यहाँ पे मरता नहीं है आदमी। अब पाजी बात आई जिसके लिए हम घूम रहे हैं, पानी लेते हैं, अभी लेते हैं। कोरोना क्या है? कोरोना का कोरोना है नहीं है जी। हाँ जी, हमारे गांव में नहीं है जी कोरोना। और तुम्हारा नाम क्या? कुलदीप। तो तुम भी क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं जी। किधर जाना है तुमको? हाँ जी, क्या करोगे? आर्मी ज्वाइन होना। आर्मी ज्वाइन। ये पाजी ये तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इस गांव में, हर आदमी जो है, हर परिवार का आदमी एक दो सदस्य जो है आर्मी में। आर्मी में बहुत ज्यादा लगते हैं जी। हा? आर्मी में ज्यादा लगते हैं। आर्मी के लिए एक मतलब एक जुनून है आर्मी के में लगने के लिए जी। हाँ जी, शौक है जी एक तरह से आर्मी में। हाँ जी, लगने के लिए। कहाँ गए पाजी? आओ। इसमें क्या है साहब, हमारा आर्मी का जुनून है कि मेरा दादा आर्मी में था, मेरे पापा आर्मी में था, मैं आर्मी में था, अभी मेरा बेटा भी आर्मी में जो कि बरेली ट्रेनिंग कर रहा है। अरे ये बात जो है सबसे दमदार, ये बहादुरों का जो है ये गांव है। इसकी मिट्टी में चाहे कुछ जादू हो या ना हो मुझे नहीं मालूम पाजी, लेकिन इसकी मिट्टी में बहादुरी है ये मैं 16 आने कह सकता हूँ। गांव से अब विदा हो रहे हैं, लेकिन गांव ने जैसा बताया कि गठिया बाय का इलाज यहाँ होता है, झाड़ा लगता है, सांप का अगर किसी ने काट लिया तो इलाज होता है। पाजी प्राचीन गांव है, अरावली की तलहटी में बसा हुआ यह गांव, अपनी मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यताएं पाजी। फिलहाल कोरोना का अभी तक इलाज नहीं है पाजी, और उसके लिए गांव वालों को क्या रहना है। बाजी आ जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल।
आप पाजी कहाँ आप फंसे हो तुम पंखे में पाजी, अब पेड़ की छाँ के नीचे आओ पाजी, बातचीत का सफर शुरू करते हैं पाजी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। पाजी बिल्कुल हम बॉर्डर पे मुजफ्फरनगर के पास पहुंच गए, जिला मुजफ्फरनगर है सर। ये पिछला रुकना मुजफ्फरनगर है जी, ये जो पिछली गली है मुजफ्फरनगर है, ये फ्रंट गली जो है मेरठ है। ये मेरठ है जी, ये घर बिल्कुल बॉर्डर पे, ये बॉर्डर पर, हम मेरठ और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर है। ये कौरव पांडवों की धरती है हस्तिनापुर। हाँ भाजी, मैं यहाँ आपका स्वागत करना चाहता हूँ सबसे पहले। क्या बात है साहब, क्या बात है। क्योंकि हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत खड़े होकर के किया जाता है, तो इसलिए मैंने खड़े होकर के आपका पूरी टीम का अपने समस्त साथियों का स्वागत खड़े होकर के किया है। क्या बात है भाजी, ये होती है मेहमान नवाजी भाजी, ये देखने को मिलती है, ये गाँव देहात में जब आते हैं भाजी तो ये सब चीजें मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भाई तशरीफ रखिए, कुछ बोलना भी चाहते हैं, कहना चाहते हैं सर जो कहोगे। नहीं आपकी जो इच्छा, इस समय जो बात है, जो कोरोना है, तमाम तरह की लड़ाई है, तमाम तरह की बातचीत भी हो रही है, ये अच्छा हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, राजनीति भी है, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, खूब हाँ, हुआ। हिंदू मुसलमान तो कौन कर रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस देश में। अच्छा, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता आपसे, मुझसे मतलब पाजी, उससे मैं ही नहीं, उससे मतलब है आप सब लोगों से। हाँ जी, ये मीडिया जानती है। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान अगर तीन शब्दों पर चुनाव आयोग बैन लगा दे तो शायद कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी भारत में। कोई नहीं लड़ पाएगी भारत में, एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, एक पार्टी। समझ तो आप भी गए, और समझ आप पहचान तो आप भी गए होंगे, क्योंकि इतने तो अनजान आप नहीं है भाजी, समाजवादी पार्टी से हैं, मैं समझ गया भाजी, टोपी बजाती है। लेकिन भाजी बात तो सही है, फिर आप जो इन्होंने बात कही ये इनकी इच्छा है और यही हिंदुस्तान है भाजी, हर आदमी को कहने का अपना हक है। हुजूर मैं कहना चाहता हूँ, जो भैया कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम शब्द आया कहाँ से, आया कहाँ से? भैया जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम फैलाया है, और जिस पार्टी की तरफ इशारा है तो राष्ट्रवादी पार्टी है, दुनिया मानती है उसे। आज पूरी दुनिया में उस पार्टी का डंका बज रहा है, उसके उस पार्टी के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, उस प्रधानमंत्री की वजह से आज ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में सबसे कम स्तर पर है। मैंने तो सोचा था कि बातचीत होगी, कुछ जवाब देना चाहते क्या, इच्छा हो तो दे दीजिएगा, ये वो स्टूडियो वाली बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अपना पेड़ है, अपनी जमीन है, अपना जवाब देने में कोई पीछे नहीं होना चाहिए। अपने साथी को, सम्मानित साथी है मेरे क्षेत्र से, गोयल साहब, इनसे मैं नम्रता से यही पूछना चाहता हूँ कि वो कम से कम मुझे, मेरे साथ साथ उन सब लोगों को पता लग जाना चाहिए, आपके चैनल से इस देश को पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सी पुड़िया है जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना को फैलने से बचाया हुआ है। सवाल कैसा है? सही, अच्छा सवाल है। सवाल अच्छा है। नाम हो गया आपका? मोमिन सलमानी। मोमिन सलमानी साहब ने कहा सवाल तो अच्छा है, सवाल कैसा है? जी अच्छा है। अच्छा है सवाल जी, खाया तो नहीं जा सकता सवाल जी? अच्छा है लेकिन खाया नहीं जा सकता, खाया नहीं जा सकता। तो जनाब मैं सवाल का जवाब लूँ या आप जवाब देना चाहते हैं? आप जवाब लो इनसे। किन से लें? गोयल साहब से? गोयल साहब। गोयल साहब फंस गए चक्कर में। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं फंसे हैं। आज इस भारत का डंका पूरी दुनिया में बच रहा है। देखिए, इटली दुनिया में चिकित्सा क्षेत्र में नंबर दो पर है। बिल्कुल सही है, दो नंबर दो पर है। हाँ। हम कितने पे हैं? 112वें स्थान पे हैं। हाँ। उसके बावजूद आप इटली का हाल हर्ष देखिए, क्या हाल हर्ष है। और हमारे भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व ने जो सबसे पहले लॉकडाउन का, जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया है, 135 करोड़ के आबादी के देश में इतना बड़ा निर्णय, एक कुशल नेतृत्व, एक कठोर नेतृत्व जो अच्छी तरह जनता के हित कर सकता है वो ही ले सकता है, वरना आज तक जितनी सरकार रही है ऐसा नेतृत्व, ऐसा फैसला लेने किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्या बात है, बहस अप्पा जी अपने, मैं आ गया, अब तो बाकी लोग भी हाथ उठाएंगे धीरे धीरे। जी 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 जी, जी। देखिए, जैसे भारत हमारा एक डेवलपिंग नेशन है जी, ये तो बिल्कुल सही है कि हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। ये नहीं है कि मोदी जी ने कोई पुड़िया चला दिया, कुछ चला दिया, लेकिन मोदी जी ने एक काम जरूर किया, जो उन्होंने सख्त निर्णय कुछ लिए उसकी वजह से ये फैलने में जरूर रुका है। लेकिन अभी आगे और सख्त निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन उन लेने की जगह और थोड़ा ही सिस्टमेटिक वे से नहीं हुआ। सिस्टमेटिक होता, मजदूरों को पहले घर पहुंचा दिया जाता, उसके बाद में लॉकडाउन जितना मर्जी एक्सटेंड हो जाता। हाँ। लोग प्रिपेयर हो जाते कि हाँ, हम लोगों ने लॉकडाउन में रहना है। प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। जी सर, जी सर, हम कुछ लकी थे अनलकी माहौल में कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे देश में बाद में आया, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ जो ज्ञान था वो बाहर से पहले ही हासिल हो गया, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं
और हमें जो सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना, गर्म पानी गरारे करने, ये सब चीज़ें हमें बाहर से ही पता लगे। जो इटली की बात भाई साहब ने कही, वहाँ ज़्यादा लोग मरे, वहाँ इटली में बहुत सी जो लोग हैं, जो यूरोपियन लोग हैं, जितने ओल्ड एज हैं वो इटली में रहते हैं, क्योंकि इटली में रहना बड़ा अच्छा है, सुंदर है जी। और इस कारण ओल्ड एज डेथ्स ज़्यादा हुई हैं। अमेरिका में इसलिए ज़्यादा हुई हैं क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इकोनॉमी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी वो सोच रहे हैं कि चलो जो होगा देखी रहेगा, पर इकोनॉमी नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश में भी अभी तक जो कुछ हो रहा है वो बाय एंड लार्ज ठीक हो रहा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा देश है, और अनएजुकेशन बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए जो कदम उठाए गए सख्त बहुत अच्छे हैं। मेरी तो आपके चैनल से, चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से एक ही अपील है, किसान के बारे में भी कुछ सोचा था, जो किसान पूरी तरह अपना, किसान के बारे में तो पैकेज उन्होंने घोषणा करी नहीं, किसान का पैकेज मिले कहाँ पाया, कहाँ फायदा है जमीनी स्तर पर, कहाँ फायदा है जमीनी स्तर पर, कहाँ है? वो तो देखिए, जो वो पैकेज है, वो पैकेज तो ये है कि पुरानी मिठाई को आपने नए डिब्बे में डाल दिया। यहाँ तो हमारा कंप्लीट ब्याज माफी होती अगर हमारे को 3 महीने के लिए कह दिया गया कि आपने किस्त नहीं देनी है, अपनी जो आपकी केसीसी की किस्त है, 3 महीने के बाद तो हमने ही देनी है ना वो। लेकिन उस 3 महीने में हम लोगों ने जो हमारा खेती का नुकसान हुआ वो हम लोग कहाँ जाए? जी 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 मैं आया, कहिए कैसे हैं भैया? मेरा नाम ऋतिक बजाज है। हाँ बजाज साहब, खड़े हो? एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। छोटी क्या, बड़ी बात कहो, खड़े हो, खड़े हो जाओ जी। हाँ हाँ, हमारी जो हाँ, जो हमारी सरकार है, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। हाँ, हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन सरकार को थोड़ा सा अपने काम करना चाहिए। सरकारी पहले राशन बंटने लगा। हाँ, हाँ, जो 10-10 दिन राशन बटा ना, 10 जने MLA यहाँ के लोकल की, जो भी नेता है छोटे मोटे, हाँ, मैं सबको कहना, तो छोटों को भी बड़ों को भी, आए फोटो खिंचवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और अगले दिन फेसबुक पे बैठ रही है वो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सबके साथ सहमत हूँ, लॉकडाउन बढ़ाओ, अरे उन गरीबों का सोचो जिनको खाना नहीं मिल रहा। भाजी ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 1 महीना 1.5 महीना, मैं आ गया, गोल साहब आ गया, 1.5 महीना पहले 2 महीना राशन बांटा, राशन खिलाया, खाना बनाया, सब तरह से किया, लेकिन लेकिन ये कितने दिन चले, कितना लंबा चले, ये भी एक सवाल था, और कब तक चलेगा? जी गोयल साहब, मैं कहना चाहता हूँ भैया को, शायद भैया की नॉलेज में नहीं है, हमारी सरकार 1 महीने में 2 बार सरकारी एजेंसियों के थ्रू राशन बांट रही है। एक बार तो दिया जाता है 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है, 3 रुपए किलो चावल दिया जाता है, और उसके बाद 15 तारीख को फिर फ्री अनाज दिया जाता है। जी 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 जी, समाजवादी पार्टी के सर, मैं गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ। पूछो। राशन वास्तव में बट रहा है, हम स्वीकारते हैं, लेकिन पेपरों में बट रहा है, अखबार में बट रहा है, मीडिया में बट रहा है, इससे अलग कहीं नहीं बट रहा। राशन लेने जाते हैं लोग, बुजुर्ग माताएं जाती है, बूढ़े आदमी जाते हैं, उनको गाली दे करके उनको अपमान करके भगा दिया जाता है, उनको अपमान करके भगाया जाता है। माननीय वर्मा बताना चाहते हैं, ऐसी कौन सी राशन की दुकान है, मुझे बतलाएं कौन सी राशन की दुकान बतलाएं, एक भी बतलाएं, किसी प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में इस तरह का हाल है। माननीय की दुकान बताएं, एक भी राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति नहीं होगी। और माननीय वर्मा बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ राजनीति है, लेकिन किसी भी एक एजेंसी पे, किसी सरकारी राशन की एजेंसी पे जाके बताएं कि वहाँ पे किसी को गाली दी गई है, क्या क्या गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई और निकाला है, सबको राशन मिला है, कोई ऐसा मुझे बताए कौन सी एजेंसी है। इनका केवल तर्क एक है, भारत में सोशल डिस्टेंस और मास्क एक बहाना मिला है इनको लोग उत्पीड़न करने के लिए, सोशल डिस्टेंस और ये मास्क, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपसे, एक बार बताइए, अगर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी दूरी नहीं होगी और ये मास्क नहीं होगा, तो राशन खाने वाले कहाँ से होंगे? मान्यवर मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको ये भी विचार करना होगा, अगर लोग भूखे मर जाएंगे तो इनको कौन लगाएगा, कौन लगाएगा इनको, पूछता है भारत कौन लगाएगा इनको? जवाबदेही किसकी थी? एक कचौड़ी लेकर के आ जाते तो घर से क्या मानवता मर जाती? गोयल साहब, हमने एक कचौड़ी एक कचौड़ी तक नहीं खिलाई, हमने सब चीज खिलाई है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि हमने तो सुना खुलाया है, लेकिन क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं विपक्ष में बैठे यूपी में? बिल्कुल है, ये बताइए भाई, आपने एक कचौड़ी भी नहीं खिलाई, एक कचौड़ी भी नहीं खिलाई, एक पानी बोतल भी नहीं बांटा, क्यों किया ऐसा? माननीय पत्रकार महोदय जी, आपके पास खबर गलत है। क्यों, इधर आइए फिर, यहाँ आइए फिर, आप मेरे पास आइए, एक 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 कचौड़ी नहीं बांटी, एक ग्लास पानी तक नहीं बांटा, और आज आप आगे बताइए। पत्रकार महोदय जी, किसने कहा आपको? ये बता रहे भाई, हमने कुछ नहीं बांटा। बांटा किसने कहा आपको कि हमने एक बोतल पानी नहीं पिलाया?
आपके लिए बोले तो आप साबित कर दो। हाँ जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं साहब। जी मेरी बात तो, अरे अरे भैया तुम जाना, तुमको तो मैं वो आदमी हूँ जो नगीना में पहचानता हूँ, कहाँ कौन आदमी बैठा, तो पकड़ के ले आए ना तुम्हें साहब। आप साबित करो, ये कहते हैं कि साबित करना पड़ेगा। हाँ जी, आप सुनिए इधर, आप कहते हैं कि नहीं बांटा। नहीं, इन्होंने बांटा। हाँ। भैया ने हमारे जवाब दिया कि हाँ, तो मुझे वो बांटे चाहिए, ये बांटे, बात तो बराबर है भाई। हाँ जी, चाहे वो बांटे चाहिए, ये बांटे। जवाब में उनकी बात देख देना चाह रहा हूँ। ये बोलते हैं पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनो। बोलो जी। आपने एक बड़ी प्यारी बात कही। हाँ। मुझे कुर्सी पर से उठाते हुए हाँ। कि आप आके बैठ गए, आपने पूरी नहीं खिलाई, एक बोतल पानी नहीं दिया। हाँ। आपने कैसे सत्यापित किया कि मैंने एक बोतल पानी नहीं पिलाई, एक पूरी नहीं दी? कैसे सत्यापित किया आपने? कैसे चाह रहे थे मुझे ऐसे बोल दिया? एक बात। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पत्रकार महोदय बैठे हैं। पत्रकार भी बैठे हैं यहाँ पे? राजकुमार जी बैठे हैं। अभी मोमिन जी बैठे हैं। अभी मोमिन जी बैठे हैं। सुदेश भाई को पता है, बांटा है इन्होंने। जी 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 जी, मैं आया सर जी। इस बात पे मोदी जी फैला जी, भूखे पैसे सड़कों पे इतने इतने पैर हुए पड़े उनके, मजदूरों के, इस बात पे फैला है मोदी जी, इस बात पे फेल है। सब काम करें। देखिए, मजदूरों को, प्रवासियों को ये कहा जा रहा है कि जहाँ है वहीं रुके रहे, उन्हें वहीं के बाद में कुछ करना। सुनिए माननीय, मेरी बात सुनिए, मुझे एक ऐलान किया गया, खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि जो प्रवासी मजदूर जहाँ है वहीं रुका रहे, वहीं उसकी भोजन की व्यवस्था होगी, उसके घर पहुँचाने की व्यवस्था होगी। हमारी बसें ट्रेनें सब लगी हुई है उन्हें पहुँचाने में। जी मैं आया भाई, आया जी जनाब अली जी। सर से समाजवादी वाले कह रहे हैं हमने खाना बांटा है। हाँ। हमने भी घर घर रामराज में राशन बांटा है। 12 पैकेट 12 पैकेट बांटे हैं, और वो भी फोटो के साथ, और वो भी सरकारी राशन। और हमने 2000 पैकेट बांटे हैं क्षेत्र में। जाति सरकारी राशन नहीं बांटा, हमने अपनी जेब से खर्च करके बांटा है। सुदेश भाई, अब आप जवाब देंगे। मैं सवाल अब पूछता हूँ। आपने एक वाक्य बोला भैया, और वाक्य आपने ये बोला कि जब मैंने बांटा तो मैंने जात पंथ धर्म और रिलीजन नहीं देखा। इसका मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब ये है, ये जब बांट रहे तो गोल दब खड़े हुई है। नहीं नहीं भैया, कहाँ गए? खड़े हो, यहाँ आओ। जब ये बांट रहे थे तो ये धर्म रिलीजन देख रहे थे क्या? ये मुझे जानना है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इन्होंने एक दायरा बनाया हुआ था रामराज में, केवल रामराज में एक दायरा था। मतलब आप जब कह रहे राशन इन्होंने दिया, तो इन्होंने पहले धर्म पूछा उसके बाद दिया? धर्म नहीं पूछा। हाँ। लेकिन हमें और क्षेत्र को प्रतीत हुआ कि धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। नहीं, अमरपाल जी, क्या हम पूछे थे? विनय जी, अमरपाल जी कहाँ? पूछा कौन से धर्म के हो? आपने पूछा? किसने पूछा? मेरे पास प्रूफ है। मैंने अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों बहुत तादाद में, मेरे पास फोटो है उनके, मेरे पास फोटो फोन में अवेलेबल है, लेकिन मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं नहीं भेजे फोटो। जाति धर्म हुआ है, केवल एक जाति धर्म हुआ है जो ठीक रहा, जो जमाती पे ठीक रहा फोड़ा है, जो हमारे मीडिया भाई ने जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा लगाया है, इसमें राजनीति हुई है, इसमें कोरोना वायरस ना कोई। जी जब जब कोरोना की बात हिंदुस्तान में होगी तो ये जमाती शब्द जरूर आएगा, बार बार आएगा। आप कहते हैं कि जमातियों के साथ, जमातियों ने या जमातियों के कोरोना फैलाया है, ये बात में राजनीति हुई है, जमातियों ने नहीं फैलाया। नहीं, जब एक ठेली वाला, एक क्या नाम फल वाला मोहल्ले में निकल जाता है तो उस पर लठ बजता है, घिन्ना की उससे देखा जाता है। मेरा केवल एक ही सवाल है कि उसे, ये बेहद गलत चीज है, ये जो इन्होंने कहा कि अगर कोई फेरी वाला जाता है, इससे पहले भी जा रहा था, मैंने बराबर आपको दिखाया, वहां पर यह सवाल आ रहा था, और ये सवाल फिर यहां आ गया, ये सवाल फिर यहाँ आ गया कि फेरी वाले से और दुकानदार से कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, देखा जा रहा है, दाढ़ी देखी जा रही है, पैजामा देखा जा रहा है, कुर्ता देखा जा रहा है। ये गलत है, ये गलत है बाजी, ये देश में कभी नहीं हुआ गोयल साहब, ये गलत है। ये मैं मोबिन सलमान मेरे छोटे भाई है, मेरे साथ रहते हैं। हाँ। और इन्होंने मेरे साथ राशन बंटवाया है, इनसे पूछो, मैंने अल्पसंख्यक को दिया नहीं दिया? इन्होंने बांटा है, अल्पसंख्यक को भी दिया है, अल्पसंख्यक को भी दिया है इन्होंने, मैं इनके साथ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये बात आपने क्यों कही? नहीं, मैंने ये बात कही है, वो उस राशन वाली बात नहीं कही मैंने, केवल एक ये बताई कि कोरोना वायरस फैलाया है ना कोई, सुनो, कोरोना वायरस ना तो कोई जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ये पता नहीं किसको लग जाता है। देखिए, जब भी कोई ऐसी महामारी आती है, जब भी देश की कोई जंग लड़ती है, जब भी जंग का माहौल होता है, तब हमारे को ये पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, तो सही है ना? बिल्कुल सर। तो फिर ये सवाल नहीं आना चाहिए था जो मोहिन भाई ने कहा।
नहीं, मोहिन भाई ने भी कहा, ये सुदेश भाई ने पार्टी बाजी जोड़ी शुरू में ही कि समाजवादी और भाजपा सरकार, ये इसमें नहीं आना चाहिए ना। अब हम कोई दान कर रहे हैं, अपने लिए सेवा कर रहे हैं, अपने उससे कर रहे हैं, इसमें कुछ दान करा है हमने। हाँ क्या बोल, सवाल क्या पूछा आपने? नहीं आपने, हमने दान करा है, मैं किसे दान करा है? सुनिए खड़े होइए सर, ये इनकी टीम के हैं जो इनकी इन्होंने सेना बनाई है अपनी, ये प्रवासी सेना ये बैठे हैं इन, एक मिनट सुनो, मैं इनके पास गया, हमने इनसे पूछा कि आपके मोहल्ले में कितने जरूरतमंद हैं जिनको राशन की जरूरत है, ये खड़े पूछिए उनको राशन दिया नहीं दिया? शासन दिया दो, आपने ये बात कही दान दिया है, ना कि सेवा करी है, दान दिया है, और वो भी बीजेपी वालों ने जो सम्मान ला के दिया वही तुमने आगे दान कर दिया। बिल्कुल गलत, अपनी तरफ से 1,35,000 रुपए का सामान मैं खरीद के लाया हूँ मेरठ से। ये खड़े हैं पूछो, आज मोहल्ले में सब में बांटा हमने, मोहल्ले में वोटों को तो बांटा है ना, जो जनसी वोट थी, सुनो, जो बाहर से मजदूर आ रहे थे उन्हें खाना बना के दिया आपने, किसी को भी बना के दिया, खाने की जरूरत नहीं थी, हमने मोहल्ले जाकर राशन बांटा, वोटों को दिया है ना, वोटों को दिया है। प्रवासी भाई मुझे वोट देने आएंगे बिहार से, मैंने जो खाना खिलाया है बिहार से मुझे वोट देने आएंगे। जबरदस्त बहस हो रही है, और इस बहस का मजमून जो है, जो कंटेंट है, जो बातचीत का जो सिलसिला है, वो लगातार मैं आपसे जोड़ रहा हूँ, और ये बात सच है कि ये स्टूडियो की बहस नहीं है, ये स्टूडियो में होने वाली बहस नहीं है, ये ठीक जामुन और आम के पेड़ के नीचे हो रही है बहस, और बड़ी खुल के बहस हो रही है, लोग बड़ी खुल के बात कह रहे हैं साहब। ये सब लोग यहाँ बिल्कुल, एक तो कोई किसी की तरफ एग्रेसिव नहीं हो रहा है, हाँ। और जो मन की बात है बिल्कुल खुल के स्पष्ट बात कर रहे हैं। वाह क्या बात है, मन की बात हो रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल मन की बात हो रही है, और सभी भाई हैं, कोई जो है कोई द्वेष भावना नहीं है, सब तो, भाई है, पार्टी तो दिक्कत कहाँ पे है, आपको दिक्कत कहाँ हुई कि जब काम चल रहा है? जुल्म के इस मैदान में जवा खोलेगा कौन, हम भी चुप रह गए तो जवान खोलेगा कौन। ये जो बहस है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ जी सर, मेरा कहने का बस एक ही मकसद है कि देश जो है आज कोरोना के जरिए महामारी फैली हुई है, सेवा करनी अब सबने शुरू कर दी, ये एक कोरोना का एक पॉजिटिव पॉइंट आया है कि सेवा करनी आ गई लोगों, जो पहले सिर्फ हम लोग करते थे। ये बात सच है, पर ये जो सेवा है ये गलत दिशा में भी जा रही है, जो अब मैंने 15-20 मिनट में देखा है, जब आप सेवा करोगे तो जरूरी नहीं कोई आगे आपको कहेगा भी आपने क्यों करी, या आपने अच्छी करी या बुरी करी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात। जो सेवा है वो अपने आप, जिन लोगों को इन्होंने खाना खिलाया उन्हें आज भी याद होगा भी उन्होंने हमें वहाँ खाना खिलाया था। और मैंने हाँ जी गोयल साहब ने लिस्ट बना रखी है कि भाई अल्पसंख्यक है, हमने तो लंगर लगाते हैं जब सेवा करते हैं, हमने तो कभी लिस्ट नहीं बनाई किसी की भी, हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है, या हरिजन है। और मेरे पास मैंने ये कहा, सुनो मेरे पास इसकी चीज का प्रूफ है, मैं नहीं कह रहा कि मैंने कहीं उसे हिस्ट्री नहीं दिया, सुनो, ये जो कहते हैं कि आपने अल्पसंख्यकों को नहीं दिया, ये कहते हैं आपने अल्पसंख्यकों को सहयोग नहीं दिया, उस चीज का मेरे पास प्रूफ है। ठीक है गोयल साहब जी, मैं आप अपनी बात पूरी करनी है आपको, आपको पूरी बात, मैं आया बेटा आया जी। ये जो है समस्या है पूरे विश्व की समस्या है, न बीजेपी की है, न सपा की है, न लोकदल की है, न कांग्रेस की है, ये तो जो है सरदार कौम से ये लेना चाहिए, हमारे भाई हैं, हमारे में से निकले हुए हैं, इनके गुरुद्वारों में कहीं भी चले जाओ दान देना वहां अच्छा लगे, वहां ना जाति पूछी जाती, ना धर्म पूछा जाता, ना मजहब पूछा जाता, इन पार्टियों में सब में मजहब पूछा जा, जाति पूछी जा, जब भी पर्ची दे दिया जा, जब भी रिजर्वेशन में पूछा जा, इस देश में जातिवाद ने रिजर्वेशन ने नाश कर दिया, भूखमरी आ गई इस देश में, और गृह युद्ध हो रहा है, लिख के तक रख लियो लोकेश सिरोही से आपकी बात, इस कोरोना के बाद में इतना देश गरीबी में पहुंच चुका है, ये पार्टी वाला इधर ही हो रहा, बीजेपी वालों को भी हो रहा, मोमडनों को भी हो रहा, जमातियों को भी हो रहा, लगा दिया बस जमाती रही 15 दिन तक कोई और लगा दिया मुद्दा, अगर मैं लगाऊंगा तो मैं तो जो है कहीं फंसाऊंगा, कहीं दसाऊंगा, जो देश का बिल्कुल मट्टा ढार कर दिया नेताओं ने, बिल्कुल मट्टा ढार, गिराई युद्ध होना है 100% होना है,
भाई साहब रोक बाग रोते जा रहे, जच्चा मर गई, बच्चे मर गए, 200 श्रमिक मर गए, ट्रक चढ़ा दिया उनपे, कोई संवेदना नहीं। कल को इसने नु कह दिया, मोगदी ने यो कह दिया, योगी ने यो कह दिया, कौन से अपने घर से दे दिया, क्या हालत थी योगी की, क्या हालत है मोदी की, कहते दे रहे हमारा खून चूस चूस के इकट्ठा कर रहे, हटे रहे, कोई आदमी का खून चूस दिया, कोई व्यापारी का खून चूस दिया, कोई व्यापारी का, कोई किसान का, जो बर्बाद हो जाएगा, जो फांसी में खा खा के लटक के मरेगा। योगी और मोदी कहां, उनके पास क्या संपत्ति है जो योगी मोदी की बता रहे? योगी मोदी के पास कोई संपत्ति नहीं है, वे तो देश सेवा कर रहे, और इस विषय में सबको राजनीतिक भूल के इस कायदे में देश सेवा करनी चाहिए। और जहां तक देश गरीबी की बात है, पूरी दुनिया गरीबी में जा रही, खाली फंड का खाली खाली भारत में प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब दे दीजिए। अभी यहाँ भी है, नीचे तक है, बिल्कुल नीचे लेवल तक ये बात है, बिल्कुल नीचे लेवल तक है जी जनाब। अगर ये कुछ मेजर, जैसे जो मेरी अपनी फीलिंग है, जो मेरे को लगता है कि ये जो ऊपर हमारे बहुत बड़े बड़े अफसर जो बैठे हैं, जो अपने एसी चैंबर्स में बैठे हैं, जिन्हें बाहर का कुछ पता नहीं है, जो वहां से वो आदेश जारी करते हैं, वो नीचे आते 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 उस आदेश का पता नहीं क्या बन जाता है। वहां से प्रमुख सचिव जी जारी करते हैं, कमिश्नर साहब डीएम साहब को बताते हैं, डीएम साहब नीचे थानों में बताते हैं, थानेदार बेचारे को यही नहीं पता होता करना क्या है। कॉल आ गई है, श्रमिक इधर से भागे आ रहे हैं, लाठी उठाओ, इन्हें इधर से भगाओ। ये सिर्फ ये कहा जाता है कि एरिया क्लियर कराओ, हमारे थाना क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, जबकि ये थाना क्षेत्र नहीं होना चाहिए, पार्टी बेसिस नहीं होना चाहिए, पूरे देश की बात होनी चाहिए। समस्याएं हैं, बातचीत है, राजनीति भी है पाजी, और वो राजनीति भी है जो स्टूडियो वाली भी जिसमें बहस भी आती है वो भी दिखती है। लेकिन पाजी एक बात की बहुत खुशी है, ऐसे तमाम नौजवान हैं, युवा हैं, जिनके चेहरे मैंने आज देखे मतलब है मास्क में ढके हुए, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, पाजी उनके लिए सलूट जरूर बनता है।